राजस्थान रॉयल्स के सर पर अब टेबल टॉपर्स का ताज सज चुका है। पिछले मैच में चेन्नई की टीम को करारी शिकस्त देकर रॉयल्स ने नंबर वन पोजीशन हासिल कर ली है। इस जीत को हासिल करने के लिए रॉयल्स की टीम ने शानदार तरीके से धोनी की टोली का सामना किया और जवाब में सीएसके बेबस नजर आई। पिंक सिटी जयपुर में राजस्थान की टीम ने अपना टशन दिखाते हुए पहले बल्लेबाजी चुनकर 202 रनों का स्कोर खड़ा कर दिया था, जो चेन्नई की टीम हासिल करने में नाकामयाब रही। हालांकि सीएसके ने आरआर की बल्लेबाजी के वक्त अपना पूरा जोर लगाया कि कैसे भी राजस्थान को ढेर किया जा सके, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। इसी बीच चेन्नई के एक खिलाड़ी ने कुछ ऐसी गलती कर दी कि कैप्टन कूल MS धोनी भी अपना आपा खो बैठे। कल खेले गए चेन्नई और राजस्थान के बीच के मैच में चेन्नई को राजस्थान की टीम से बुरी तरह से हार का सामना करना पड़ा। टॉस जीतकर राजस्थान के कप्तान संजू सैमसन ने बल्लेबाजी करने के लिए फैसला लिया और ये फैसला पूरी तरह से उनके फेवर में भी नजर आया। राजस्थान ने 202 रन का एक विशाल स्कोर बोर्ड पर दर्ज किया और ऐसा होता भी क्यों ना, रॉयल्स की शुरुआत ही इतनी जबरदस्त थी कि ऑपोजिशन टीम के गेंदबाजों के पसीने छूट गए थे। शुरुआत में ही यशस्वी जायसवाल ने शानदार पारी खेलते हुए राजस्थान को एक मजबूत शुरुआत दिलवाई। यशस्वी ने 43 बॉल्स में 77 रन की तूफानी पारी खेली। हालांकि चेन्नई ने मिडिल ओवर्स में मैच में पकड़ बनाने की कोशिश जरूर की, लेकिन एक गलती इस टीम पर भारी पड़ गई। सीएसके ने जॉश बटलर, यशस्वी जायसवाल और कप्तान संजू सैमसन को एक के बाद एक अपने पंजे में लेकर कमबैक किया ही था कि तभी मतीशा पथिराना से एक ऐसी गलती हुई जिसने कैप्टन कूल को भी आग बबूला कर दिया। दरअसल राजस्थान की पारी के 16वें ओवर के दौरान दूसरी गेंद हेटमायर के पैड पर लगते हुए विकेट के पीछे गई। धोनी ने चालाकी दिखाते हुए नॉन स्ट्राइकर एंड पर थ्रो किया, लेकिन बीच में गेंदबाज मतीशा पथिराना आ गए और उन्होंने गेंद को बीच में ही पकड़ लिया। उन्हें लगा कि धोनी बॉल उन्हें दे रहे हैं, जबकि धोनी नॉन स्ट्राइकर एंड की स्टंप पर वो गेंद मारना चाहते थे। इसे देखकर MS धोनी उन पर चिल्लाते हुए नजर आए और इशारों में ये भी बताया कि वे गेंद को दूसरे छोर पर थ्रो कर रहे थे। पथिराना भी अपनी सिली मिस्टेक से उदास होते हुए नजर आए। हालांकि हेटमायर अगले ही ओवर में अपना विकेट गवा बैठे, लेकिन तब भी राजस्थान के पास ध्रुव जुरेल और देवदत्त पर्रिकाल जैसे खिलाड़ी थे जिन्होंने टीम के स्कोर को 200 तक पहुंचाने में मदद की। बैटिंग तो छोड़िए, चेन्नई की टीम राजस्थान के गेंदबाजों के आगे भी कमजोर नजर आई। एडम जंबा और रविचंद्र अश्विन की फिरकी के आगे चेन्नई के बल्लेबाजों की एक ना चली। ये राजस्थान का IPL में 200वां मैच था और उन्होंने जयपुर के स्वाई मान सिंह स्टेडियम में IPL इतिहास में पहली बार 200 प्लस का स्कोर बनाया, फिर बड़ी जीत भी हासिल की। ये राजस्थान की इस सीजन चेन्नई पर लगातार दूसरी जीत है। इससे पहले RR ने चेपक में भी CSK पर जीत हासिल की थी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप बने रहिए क्रिकेट एडिक्टर के साथ।